बनाना आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने तीनों बनाना का छिलका निकाल दिया है और इस तरह हम सारे बनाना कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हमको सिंगल सिंगल पीस में रखना है, एक के ऊपर दूसरा नहीं रखना है। और इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे 5 या 6 घंटे, जब तक ये कड़क नहीं हो जाए। देखिए इस तरह से मैंने 6 घंटे फ्रीज़र में रखा है, उसको निकाल दिया है। ये बहुत ही कड़क हो गए हैं, इसको हम चम्मच की सहायता से निकालेंगे और एक मिक्सी के जार में डालेंगे। मिक्सी के जार में डालने के बाद इसमें हम 1/2 कप दूध ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से, और मैं इसमें दूध डाल रही हूँ 1/2 कप, और इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और हमारी आइसक्रीम बनके रेडी हो गई। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनी है। अगर आपको इसमें चॉकलेट फ्लेवर चाहिए तो डेयरी मिल्क या किसी को पीस के भी डाल सकते हैं, या कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए हमारी आइसक्रीम खाने के लिए रेडी हो गई। आप चाहो तो इसको फ्रीजर में रख सकते हैं, ज़्यादा टाइम खाने के लिए रखनी हो तो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।